यहाँ पे हमने बनाना है, ये सीढ़ी है, यहाँ से नीचे पानी चला जाता है। तो नट खोल दो। रूप दे दिया है, नया रूप दे दिया है। अगर कबाड़ वाले को, बंगार वाले को अगर सेल कर देते तो मैक्सिमम इसमें 2000 रुपये भी नहीं मिलते। अगर इसकी बजाय आप कंक्रीट का, ईंट का ऊपर पूरी छत बनाते तो आपके 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी पोर्च है, कुछ सीढ़ी इस तरह की आपने बनाई है जहाँ पे ऊपर से धूप, बारिश और सब चीज़, आंधी तूफान, हर चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आने वाले समय में आप भी इस तरह का शेड लगवाना चाहते हैं तो हमने बनाया है कबाड़ से जुगाड़। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे बनवा सकते हैं, कितना खर्चा होगा, कारीगर कितनी लेबर लेगा, मटीरियल कौन सा लगेगा। अगर आपके पास घर में कुछ कबाड़ शेड पड़ा हुआ है, शेड का मटेरियल कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है पुराने समय का, तो उससे भी क्या ये बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मुरली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी मुरली सिंह 1986 है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मैं हर रविवार रात को 9 बजे लाइव आता हूं। आपका कोई सवाल, सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हमने बनाया कबाड़ से जुगाड़। एक पुराना मटेरियल पड़ा था यहाँ पे, तो उससे हमने ये शेड बना दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। रात के अंधेरे में ये काम सारा हमने किया था। रात के समय वीडियो नहीं बन सकती थी, वरना इसका कंप्लीट वीडियो ज़रूर आता, मैं ज़रूर लेके आता इसका कंप्लीट वीडियो आपके लिए। लेकिन रात के अंधेरे में काम ही बहुत मुश्किल से हो रहा था, दिन में धूप बहुत रहती है इसलिए काम दिन में नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जो कि पुराना 1 इंच पाइप हमारे पास, ये 1 इंच पाइप का स्ट्रक्चर और इधर 1 इंच पाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाहर से 2 1 की पाइप लगाई गई है, बहुत भारी पाइप नहीं है, पाइप बिल्कुल 5 किलो की 1 इंच वाली पाइप है और 8 किलो की ये 2 1 की पाइप, ये जो साइड पर आपको दिखाई दे रही है। इस शेड की पुरानी पिक्चर्स जिससे हमने ये बनाया है, जिससे हमने ये शेड बनाया, इसकी पुरानी जो जिस हालत में ये पहले था वो साइड में आप देख पाएंगे। जिस मटेरियल से बनाया है उसके फुटेज मैं दिखा दूंगा, वीडियो के एंड में जाके देख लेना। और वीडियो के एंड में ही प्राइस भी बताऊंगा, कारीगर कितनी कॉस्ट लेगा या हमने कितना चार्ज किया है। और जो लोग बोलते हैं फाइबर शीट टूट जाएगी, फूट जाएगी, आंधी में उड़ जाएगी, तूफान में उड़ जाएगी, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो देखने वाली है, ठीक है। तो पुराना माल है सारा, फाइबर शीट भी पुरानी है, लोहा भी पुराना है, ये आपने ऊपर का स्ट्रक्चर देख लिया। अभी यहाँ से, यहाँ पे हमने सपोर्टें लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, पूरा कबाड़ जुगाड़ है, सारा कबाड़ से बनाया गया है, पुराने माल से बनाया गया है। और मजबूती के लिए हमने यहाँ पे फास्टनर मारे हैं, 1 2 3 4, ये देखें यहाँ पे कैसे लगा दिया हमने सपोर्ट। ये ऐसे हिल रहा था, जब ऐसे हिलाते थे तो हिलता था ये ऐसे ऐसे, लेकिन अभी नहीं हिल रहा, पूरा मजबूत है। और सामने की साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 फास्टनर हमने लगा रखे हैं, 3 फास्टनर यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये कटिंग सारी हमने की है। अगर आप, ये कटिंग कैसे की जाती है, ये मैनुअल हाथ से ही करनी पड़ती है, ग्राइंडर मशीन की सहायता से पहले निशान लगा के और फिर कटिंग करनी होती है। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा कटिंग, ये वाली कटिंग कैसे की जाती है इसका कंप्लीट वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमने इसको सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से पूरा फिटिंग किया है पूरी शीट को। और इस शीट के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, बीच बीच में होल भी हैं, अंदर से दिखाऊंगा, बीच बीच में होल भी हैं, देखें। तो ये होल में से वैसे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप ये इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें ये स्क्रू लगा के ऊपर से ऐसे स्क्रू डाल के और ऊपर से एमसील लगा सकते हैं। ये ऐसे आपको स्क्रू रखना है, अंदर अंदर स्क्रू रख के ये रख दिया, अब इसके ऊपर एमसील लगा दें तो लीकेज नहीं होगी। और इसको हमने पूरा ढलान में बनाया है, ये जो हाफ के पीछे का एरिया जो आप देख पा रहे हैं, आधे से पीछे का, ये तो बहुत ज़्यादा ढलान में है। और ये जो ऊपर का है ये भी ढलान में है, ये जो ये साइड है, इस साइड से ये जो एंड है इसका 8 इंच का डाउन स्लांट है, इसमें इसमें इधर से लेके इधर तक
इधर से लेके इधर तक 8 इंच का स्लांट है, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, स्लांट देना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पुरानी शीट है, कटी फटी पड़ी है, ये उड़ जाएगी आंधी तूफान में, ये फलाना ये डिमक्का, ये कहीं नहीं जाएगी, हमारी पूरी गारंटी है। और नीचे से हमने कुछ जगह छोड़ी है, यहाँ से ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे से जो जगह छोड़ी है, ये हवा आने जाने के लिए, अगर बारिश आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी किसी भी तरीके की, तो इसको उड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हवा क्रॉस हो जाएगी। दो साइड हमने खुला छोड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं फास्टनर पीछे की साइड में भी लगा रखे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट दिया है एक, और एक उस साइड में वहाँ पे दो फास्टनर लगा रखे हैं। तो कहीं से भी आंधी आए तूफान आए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये पूरा हमारा मजबूत है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब बात करेंगे इसमें कितना खर्चा हुआ। अगर आपका पुराना मटेरियल पड़ा है, अगर आपके पास पुराना मटेरियल पड़ा है, शेड का प्रोफाइल शेड का भी पड़ा है, लोहे की शीट भी पड़ी है, तो भी उससे भी ये इस तरह का बनाया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कारीगर अपने हिसाब से बना लेगा अगर आप उसे ये वीडियो दिखा दोगे तो। वीडियो के एंड में बनाने के भी थोड़े बहुत नुक्ते चिन्नी मैं वो भी बता दूंगा आपको, वीडियो के एंड में डाल दूंगा जो भी जैसे जैसे बनाया। और इसको अगर आप किसी कारीगर से बनवाते हो तो इसका चार्ज हमने लिया है जो 4000 रुपये, पुराने माल के साथ छेड़छाड़ करके जो बनाया है इसका खर्चा 4000 रुपये है। अगर यही नए में होता, नए माल में बनाना होता, तो 15000 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट थी, जिसमें कि पेंट वेंट सब इंक्लूड है। 10 से 12 साल पुरानी शीट है और 10 से 12 साल पुराना ही इसके साथ लोहा लगा हुआ है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि लोहे की पाइप है ये गल जाएगी, ये फलाना हो जाएगा या डिमक्का हो जाएगा, तो ये कहाँ गला है, ये तो बिल्कुल मजबूत है, ये अभी हमने बनाया है, ये सारा माल 10 से 12 साल पुराना है। अगर इसका एक और वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है ये शीट के बारे में, ये शेड के बारे में, ये शेड पहले कहाँ पे लगा हुआ था, पहले किस पोजीशन में लगा हुआ था, ये जिस घर में मैं आया हुआ हूँ अभी, जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने ये काम किया है, यहाँ पे ये पहले किस पोजीशन में लगा हुआ था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये घर दोबारा बनाया है, पूरा घर तोड़ फोड़ के नया बनाया है, तो इसके चलते इसको हमने नया रूप दे दिया है। नहीं तो इसे अगर कबाड़ वाले को, भंगार वाले को अगर सेल कर देते तो मैक्सिमम इस पर 2000 रुपये भी नहीं मिलते। और अभी ये कितना काम कर रहा है, अगर इसकी बजाय आप कंक्रीट का, ईंट का ऊपर पूरी छत बनाते तो आपके 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता। तो ये 4000 रुपये लेबर में पुराने कबाड़ से आराम से ये बन गया है। अभी इसको पेंट कर देंगे तो एकदम शानदार हो जाएगा। अगर नए माल से बनाएंगे तो 15000 रुपये खर्चा है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो में, और आपको बताना चाहूँगा जो वेल्डर लोग हैं उनको कि ये सारा काम शक्ति टेक्नोलॉजी की 300 एम्पेयर IGBT इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मशीन से बनाया गया है। और ये मशीन से हमने गांव में हूँ मैं, और इसी मशीन से ये सारा काम हमने किया है। और इसको आप बिल्कुल कम करंट में भी काम ले सकते हैं, और ये वाली ड्रिल मशीन से हमने ये सारा काम किया है। ये ड्रिल मशीन का कंप्लीट रिव्यू मैंने किया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि अगर इसको सीमेंट कंक्रीट से, ईंट से बनाया जाता तो कम से कम 10000 रुपये तो लेबर लग जाती, और 20 से 30 हज़ार रुपये का मटेरियल लग जाता, 40000 रुपये खर्चा हो जाता, जबकि फाइबर शेड से इसको बनाने में 15000 रुपये टोटल कॉस्ट है वैसे तो, लेकिन ये तो पुराना जुगाड़ बनाया हमने, तो इसकी लेबर ओनली 4000 रुपीज़। अगर इसको बढ़िया पेंट वेंट कर देंगे तो 1000 रुपये और खर्चा आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 4000 रुपये लेबर, 1000 रुपये पेंट, और अगर आपके पास ऐसा पुराना मटेरियल नहीं भी पड़ा हुआ तो आप जाके कबाड़ वाले से ख़रीद के लाएंगे तो भी 3000 रुपये का आ जाएगा। कुल मिला के 8000 में आपका पूरा शेड एकदम तैयार हो जाएगा। पोर्च के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, आपको एक बार नीचे से जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो पहले यहाँ पे बहुत बारिश आ रही थी, अभी बारिश का कोई चांस नहीं है, बारिश का पानी आने का कोई चांस नहीं है। ये जो साइज़ था ये 5 फिट था, हमने इधर 6 फिट रखा है, 1 फिट ओवर रखा है बाहर की तरफ, तो इधर से पानी आने की कोई चांस नहीं है। ये 90% काम करेगा,
जो भी आंधी तूफान बारिश आती है उसमें ये आपको उससे 90% बचाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए आपका, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और हम आराम से सो के कपड़े कुपड़े आराम से बदल के आराम करने के बाद अभी तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था पुराने घर में, अभी घर नया बन गया है और अभी काम चल रहा है यहाँ पे। मैं इस शेड को सेट करने के लिए आया हूँ। इसको हम वो सामने सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे हमने बनाना है, ये सीढ़ी है, यहाँ से नीचे पानी चला जाता है। तो ये जो ख़राब पुराना फाइबर का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फाइबर शीट है वो नीचे स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। अंधेरा होने वाला है तो इसलिए फटाफट काम करेंगे। काम कंप्लीट होने के बाद में आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। चालू है नट खोल दो। नट अच्छा किल्ली नहीं ठोकी हुई, उन्होंने ठोका है।